औरतों का अपनी मर्जी, आप तीनों दोनों स्टेज से अपना जा रही हैं, पहली स्टेज से फर्क नहीं, आउटपुट तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नंबर ऑफ कंटिन्यूस स्टेज टू हो जाएगा। हाँ जी, राइट हैंड साइड भी दो, बिल्कुल। बेसिकली आपने वहाँ पे डेरिवेटिव के इक्वल आपने वेक्टर देना होगा, दैट विल बी अ वेक्टर। इसका माउस चला के मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? वही रहती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो सिस्टम एक ऐसा था जिसमें कि आपके पास अगर इनिशियल कंडीशन यहाँ हो तो इस स्टेज लाइक दिस, ये एक्स ऑफ टी में ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केलर सिस्टम है। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली अगर आप इस वन से ऊपर चले जाते थे, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे हो, इट गोज लाइक दिस, इट डाइवर्जेस। सो दैट इज अ पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ नॉनलीनियर सिस्टम्स, विच इज the main characteristic which is against or different from a linear system. Linear systems mein initial conditions really does matter. Ki aap kahan se start kar rahe hain? Autonomous system tha, ye input nahi thi isme. Isme input nahi thi. नहीं, ये मतलब ये जनरल बिहेवियर नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज जनरल है वो ये है कि आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमेशा इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगी, ट्रेजेक्ट्री और इवन स्टेबिलिटी, कि आप कहाँ पे किस पॉइंट इन टाइम में कहाँ पे हैं। वेल, इनपुट का एक डिफरेंट रोल होता है, इनिशियल कंडीशन का एक डिफरेंट रोल है। जी, फिक्स पॉइंट क्या मतलब? मुझे तो नहीं आता फिक्स पॉइंट थ्योरम्स में भी, आई डोंट नो द इशू। इसके सिस्टम की प्रॉपर्टी तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो वही रहेगी, ये जो उसका आप कंट्रोल करना है दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इसे तो हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस में हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी इज नॉट गारंटीड ओवर द होल स्पेस। टिपिकली लीनियर सिस्टम के लिए आपने आइगन वैल्यूज देखनी है, दैट वाज गुड इनफ। नॉन लीनियर सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल कंडीशंस समटाइम्स डिटरमिन द स्टेबिलिटी और अंडरमाइन द स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज के हमने एक एग्जाम्पल की थी, ये यार माउस का कुछ हुआ है? लेट्स से इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको बाइलिनियर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं वेरिएबल्स की, दो दो वेरिएबल्स की। इसमें स्टेबिलिटी कैसे आपके पास आएगी? इसमें स्टेबिलिटी इंटरेस्टिंगली सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रही, इनपुट पे कर रही है। इफ यू इज लेस देन जीरो तो यू कैन से सिस्टम इज स्टेबल। तो वाई, तो फिर बेसिकली लेट्स से माइनस वन एक्स पोल अब माइनस वन पे आ गया, आइगन वैल्यू माइनस वन पे आ गई, एंड यू हैव अ स्टेबल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड इफ यू इज ग्रेटर देन जीरो यू हैव प्लस वन एक्स, हियर द सिस्टम इज अनस्टेबल। सो एसेंशियली हियर यू हैव अ बाउंडेड इनपुट बट स्टिल यू हैव एन अनस्टेबिलिटी इन द सिस्टम। सो these two things tell us that the normal tools for stability analysis, which is a primary analysis concern for us, is not valid anymore. Eigenvalues, poles, they are not a decisive factor. First of all, they don't mean anything. Why? Because there can't be any constant coefficient matrices A, B, C, D, jinse aap eigenvalues, eigenvectors nikale. Yahan pe aapke paas
کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہاؤ ٹو ڈیٹرمن کہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, ہم اس کو دو طریقے سے جنرلی اس کورس میں کریں گے. پہلا یہ کہ ہم اسٹارٹ میں ہم گرافکلی اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. گرافکلی مینس اس طرح کے میتھڈس, اور بلکہ آج کچھ ہم ایک میتھڈ دیکھیں گے بھی. اور سیکنڈلی ول ٹرائی ٹو یوز سم انالیٹک میتھڈ, جس میں ہم سسٹم کی انرجی کو دیکھیں گے کہ انرجی کیسے ویری ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ. بیس آن دیٹ انرجی گریڈینٹ ول ٹیل کہ سسٹم اسٹیبل ہے یا نہیں. وہ میں نے میننگ کروا رہا, وہ آج ہم اس کا تھوڑا سا حصہ دیکھیں گے. جب تک میں اس میں انٹروڈیوس نہیں کروا لیتا وہ کچھ زیادہ جلدی آ گیا. اچھا پہلے ہم ایک جنرل سسٹم لیتے ہیں. سیکنڈ ٹو اسٹیٹ سسٹم ہے اور اس کو آپ جنرلی ایسے لکھ سکتے ہیں. ایف آر لینئر نان لینئر, سو دے آر نو ویل. اگر یہ لینئر ہوتے تو پھر کیا ہوتا, پھر آپ کے پاس اے میٹرکس بن سکتا تھا. کانسٹنٹ ہوتا اور لینئر ہوتا. اب اس کیس میں آپ کے پاس اے میٹرکس نہیں ہے, آپ کے پاس آئگن ویلوز نہیں ہے, تو ہاؤ ٹو اینالائز دس سسٹم, دس از سم تھنگ وی وانٹ ٹو ڈو. اچھا ہم اس کو اینالائز تو نہیں کر سکتے ابھی ایسا ان ٹول سے, بٹ دا کوشچن از ہاؤ ٹو پروسیڈ. کیا ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اگر آپ یوز کرنا چاہیں, اس کو کیسے آپ آگے چلیں گے اس میں؟ سوری کیا کریں گے؟ فیس پورٹریٹ آپ نے نہیں پڑھا ہوا, ہم نے جب تک چیزیں پڑھی نہیں اس میں کیا کریں گے؟ آپ نے ڈیفرنشیل ایکویشن کا سولوشن تو پڑھا ہوگا, تو یہ آرڈینری ڈیفرنشیل ایکویشن ہے یا نہیں؟ اٹس ناٹ لینئر, آئی گارنٹی برانچ دیٹ, لیکن بٹ اٹ از آرڈینری ڈیفرنشیل ایکویشن. تو اگر آپ کے وہ سارے جو میتھڈز ہوتے ہیں ویریبل سیپریبل, پھر آرگومنٹ والا, یہ سارے میتھڈز اگر اپلائی ہوتے ہیں تو یو کین انالیٹیکلی سالو اٹ. اچھا بھائی, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ یو کین ایکچولی سالو اٹ بائی یوزنگ نیومیریکل میتھڈز, رنج کٹا, ڈومنٹ پرائز, آئلر, وچ ایور یو لائک. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس سے ہمیں یہ چیز ملے گی, الگ الگ نہیں ہوں گے, یہ اکٹھے ہوں گے, کپلڈ ہے. جب آپ کو اس کو سالو کرنے کے لیے ایکس ون کی بھی لیٹسٹ ویلوز چاہیے ہوں گی, اس کو سالو کرنے کے لیے ایکس ٹو, تو آپ سارٹ آف ویکٹر ڈیفرنشیل ایکویشن سالو کر رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ اسٹیٹس آپ کے پاس آئیں گی, اور ایک اسٹیٹ یہ ہو سکتی ہے, دوسری یہ ہو سکتی ہے, ٹائم میں ہے. تو اف یو وانٹ ٹو سی کہ ویل اب کیا ہوتا ہے, ڈو وی ریئلی سی اے ڈائیورج, کین وی سی اینی تھنگ اباؤٹ اسٹیبلٹی اور ناٹ؟ اگر ہم کہیں گے کہ ٹائم میں یہ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ انسٹیبل ہے, ورنہ اگر یہ کنورج کرتا ہے تو دس از اسٹیبل تھنگ. But this is not a very nice way. Why? Because it's very hard to solve every equation you encounter and then decide about its state. Plus, another important factor is
کہ یو ڈونٹ نو کہ آپ کس انیشل کنڈیشن پہ یہ انسٹیبل ہوگا کس انیشل کنڈیشن پہ اسٹیبل ہوگا. یو ہیو ٹو ہیو سارٹ آف جنیرک وے جس میں انیشل کنڈیشن پہ ڈیپینڈنس کم سے کم ہو. ریبوٹ کر دیا ہو یا خود ہی ہو گیا. Generally speaking, this is a two-dimensional state space where you have x1 here and x2 here. Right? Ab isme matlab hi nahi hogi. Acha. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ابھی تک اس کو اسٹیٹ اسپیس کہتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹائم میں اگر آپ سولوشن پلاٹ کریں گے, ایکس ون ہے, دوسرا یہ ایکس ٹو ہے, یہ ٹائم ہے, ٹو ڈائمینشن ہے. اچھا, اب آپ یہ کریں گے کہ آپ اس میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ انسائٹ نہیں ملتی سسٹم کے اندر. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا گرافیکل میتھڈ بنائیں جس میں ہم بہتر طریقے سے سسٹم کا انالائز کر سکیں. ہم یہ کریں گے, ایکس ون کی ویلو لیں گے, اس پہ دیکھیں گے ایکس ٹو کیا تھا, وہ ایکس ون ایکس ٹو ادھر پلاٹ کر دیے جہاں پہ بھی آئے, پھر دوسرا ریکھا, تیسرا ریکھا, اینڈ سو آن. سو دے وڈ ڈو سم تھنگ لائک دس, پیئرس بن رہے ان کو آپ نے یہاں پلاٹ کرتے گئے. دس از کالڈ ٹرجیکٹری, دس از کالڈ فیز پلین ٹرجیکٹری. اچھا, اب انٹرسٹنگلی اگر انیشل کنڈیشن آپ چینج کریں گے, اٹ ول ہیو اے ڈفرنٹ ٹرجیکٹری. رائٹ, یہ ہم آگے دیکھیں گے, ابھی نہیں. اچھا, یہاں سے آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں سسٹم کے بارے میں. ہم اس کو اینالائز کر کے ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. اور یہ چیز, یہ سارے سیٹ آف کرو کو آپ کہتے ہیں فیز پلین. پورٹریٹ پہلے ونڈرفل کر رہے ہیں یا یہ کریں, اس کے بعد میں کرتے ہیں. یہاں سے لاسٹ ٹرم کدھر گیا؟ اچھا, فیس پلین پورٹریٹ دیا گیا. اب اس کے ہم ایک ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں. ایگزامپل 2.1 ہے آپ کے پاس. جو سسٹم ان کوشچن ہے وہ یہ ہے, یہ اس کی کس کا کس سسٹم کی ایکویشن ہو سکتی ہے؟ کوئی ایگزامپل دس از اے اسپرنگ ماس سسٹم جس میں ڈیمپر نہیں ہے, اور اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ سولوشن آپ اس کا نکال سکتے ہو, یہی چیز آئے گی.
ये सोल्यूशन होगा इस तरह से, हम देख सकते हैं कि एक्स डबल डॉट क्या आएगा, ये आ गया। और अगर हम एक्स डॉट डबल डॉट प्लस एक्स करें तो क्या आएगा, एक्स डबल डॉट है माइनस एक्स नॉट कोसाइन ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी एक्स नॉट कोसाइन ऑफ टी। जीरो आ गया। सो इट इज द राइट सोल्यूशन, दिस इज समथिंग वी नो। अब आ जाए कि अब इसका करना क्या आपने, हाउ टू प्लॉट आ फेस पोर्ट्रेट फॉर्मेट। वेल व्हाट यू कैन डू इज टी को आपको एलिमिनेट तो करना है, लेकिन कैसे करना, मतलब बेसिकली अगर आप ये लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर टी प्लस एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ टी। यहां से आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं आप, so you would have x naught square. So at the end of the day I have this equation. Right? ठीक है। अब ये सर्कल की क्वेश्चन है, सर्कल एट सेंटर जीरो, सर्कल एट सेंटर जीरो, और रेडियस एक्स नॉट। तो इफ आई पुट एक्स हेयर एंड एक्स डॉट हेयर तो ये कैसा लगेगा, फेस पोर्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सर्कल होगा, बस सर्कल। और ये जो हाइट है ये एक्स नॉट होगी। लाइक वाइज यू कैन हैव फॉर डिफरेंट एक्स नॉट यू कैन हैव अ सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स डिफरेंट इनिशियल कंडीशन के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड फेस पोर्ट्रेट। एंड दिस इज कॉल्ड फेस पोर्ट्रेट, ठीक है। और अच्छा इसमें अब आपको दो चीजें नजर आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं डायग्राम बना दूं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ये मैथ है आपका, वी आर ज्यूमिंग जीरो फ्रिक्शन नो ग्रेविटी, राइट। इफ देयर इज जीरो फ्रिक्शन नो कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन नो एयर फ्रिक्शन, और इफ आई टेक द मैथ थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेस को स्प्रिंग को पुश पुल करके मैथ को फिर रिलीज कर दू तो क्या होगा, से मैंने यहां पर रिलीज, ये मैथ की पोजिशन थी एंड दिस इज एक्स नॉट। जब से मैं रिलीज करूंगा ये कितना आगे जाएगा, माइनस एक्स नॉट तक जाएगा, फिर प्लस एक्स नॉट तक, फिर माइनस एक्स नॉट तक, एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दैट, इट विल नॉट स्टॉप, इट विल बी डूइंग इट फॉर
all the time. उसमें थोड़ी सी डायनेमिक्स डिफरेंट है, इसमें ये और है. अच्छा, इसमें अब ये जो चीज है, क्या इसमें ये नजर आ रही है? इसमें अगर हम मैथ को यहां तक लेके जाते हैं और उसको रिलीज करते हैं, तो एक उसका क्या होना था? उसका एक्स रिड्यूस होना था कि नहीं? सॉरी, एक्स नॉट यहाँ पे लेके गए ना आप, यहाँ पे और एक्स डॉट जीरो था. ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट किए. अच्छा चलो, इसको कैसे करते हैं? ये एक्स पे कोई पॉइंट है तो वो क्या बता रहा है आपको? एक्स डॉट जीरो और एक्स समथिंग, एक्स नॉट. ठीक है ना, ये एक्स नॉट है और एक्स डॉट जीरो है. जब मैंने इसको खींच के यहाँ लेके आया, वेलोसिटी जीरो है, एक्स डॉट जीरो है और एक्स हैज इक्वल टू एक्स नॉट. फिर जब मैंने रिलीज किया तो एक्स नॉट काम होना शुरू हुआ, और ये x काम होना शुरू हुआ. x काम होना शुरू हुआ तो इसका मतलब हम इधर को जा रहे हैं, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी खुद नेगेटिव हो रही है, क्योंकि वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन नाउ. पॉजिटिव x इज हियर, नहीं रफीक? अच्छा, पॉजिटिव x इज हियर, नेगेटिव x इज हियर, सो वेलोसिटी इस डायरेक्शन की आएगी तो वो नेगेटिव होगा. और आप देखेंगे यहां पर जब आप अगर इस पे जा रहे हैं तो x कम हो रहा है, तो बेसिकली सर्कल पे आप जा रहे हैं और x नॉट नेगेटिव है, और एक पॉइंट आएगा जहां x नॉट तक पहुंच गए आप, फिर वेलोसिटी स्विच होना शुरू होगी. तो ये वो x नॉट वाला पॉइंट है. तो बेसिकली इस सर्कल का हर पॉइंट यहां रिलेट कर रहा है इसकी वाइब्रेशन के साथ, और इसकी एक वाइब्रेशन कब पूरी होगी? जब एक सर्कल पूरा होगा. और एक वाइब्रेशन पूरी भी, उसके बाद उसने अगला वाइब्रेशन शुरू कर दी. It will keep on doing that. So this is a sort of a permanent characteristic, permanent feature, and this is limit cycle kind of thing. This is limit cycle. क्या हमेशा आप कसिस्टम एक चीज में फंस गया और वो उसको वैसे ही किया जा रहा है बार बार. अच्छा, interestingly, so this is also a sort of marginally stable system. कम को थोड़ा सा push और दे दें तो ये शायद आउट हो जाए बिल्कुल ही और बाहर निकल जाए. इस तौर पर एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही. अच्छा, एक तो हमें ये पता लग रहा है कि दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ स्टेबल और स्टेबल, दिस इज मार्जिनल स्टेबल सिस्टम. सेकेंडली कि इसके जो एम्पलीट्यूड है, इसकी जो मोशन है, वो इनिशियल कंडीशन में डिपेंड करेगी. जितनी बड़ी इनिशियल कंडीशन होगी उतना ज्यादा इसकी मोशन होगी, एंड सो ऑन. राइट, ये दो चीजें हमें बताएंगी. अब क्वेश्चन इज के वेल, इफ एवरीथिंग वाज ओके और हम डैम्पिंग भी डाल देते तो फिर आइडियली होना क्या चाहिए था? अगर हम कहेंगे स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम को कैसा शो करना चाहिए? स्टेबल सिस्टम को कोई ऐसा काम करना चाहिए. यहां से आप चलें, क्यों आस्पिरिन को देख रहे हैं? अगर यहां पे कोई फ्रिक्शन होती तो क्या होता है? यहां पे आपने छोड़ा, इट विल डू इट लाइक यहां रुक जाएगा आके. यानी उसका एक्स और एक्स डॉट दोनों ऐसे ऐसे छोटे होते जा रहे हैं. वो अगर छोटे होंगे तो आपको ये चीज भी छोटी होती जाएगी. एंड दिस इज फेस प्लेन पोर्ट्रेट, जो आपको भी बताएगा कि दिस इज अ स्टेबल सिस्टम. इसको कोई चीज ना समझ आई. क्या हो रहा? नहीं है. नहीं, हम डेलिबरेटली इसको इनपुट से अवॉइड नहीं करें. इसमें सिस्टम ये होते ही ऐसे हैं जो कि अपनी इनिशियल कंडीशंस
کا فنکشن ہوتے ہیں ان کی اسٹیٹس. ایسا نہیں کہ ہم ایکسٹرنل ان پٹ والے بھی سسٹم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ سمجھ آ گیا. اچھا نیکسٹ اس کے کوئی بھی فزیکل نان لینئر سسٹم کی ایگزامپل لکھا ہے, کوئی بھی ڈیفرنشل ایکویشن لکھا ہے, کوئی سیکنڈ آرڈر سسٹم, کسی سسٹم کا لکھا ہے. چلیں اگر آپ نہیں لکھوا پا رہے تو پھر میلے رسانی ہے, میں یہ کہتا ہوں. بہت سارے ڈائنامک سسٹم سیکنڈ آرڈر اس ایکویشن سے ماڈل ہو سکتے ہیں جس میں آپ نان لینئر ہیں. Spring mass damper, inverted pendulum, temperature systems, اکثر سسٹمز اس سے ماڈل ہو سکتے ہیں. تو ایون آپ اس سے بھی آگے جاتے ہیں, بعد آپ یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی ہے. دس از دا فورتھ ڈیریویٹو, دس از ناٹ پاور فور, یہ بھی ہوتا ہے. مطلب فزیکل سسٹم کے ماڈل جہاں تک جا سکے. اس کو ریٹس, ہائر ریٹس. اچھا اس کیس میں آپ کے پاس ہم کیا کہتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا, ایکس ون از اکول ٹو ایکس, ایکس ون ڈاٹ از اکول ٹو ایکس ٹو از اکول ٹو ایکس ڈاٹ, سو ایکس ڈبل ڈاٹ از اکول ٹو ایکس ٹو ڈاٹ. یہ ہم اسٹینڈرڈ اسٹیٹس پہ بنا لیتے ہیں. اس سے کیا چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس, ایکس ون از اکول ٹو ایکس ٹو, x1 dot is equal to x2, x2 dot is equal to f of x1 comma x2. یہ آپ کو جنرل فارم آ جاتی ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس میں آپ X1 or X2 are not any two states. یہ X1 X2 اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کا ڈیریویٹو یا انٹیگرل ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود ایچ ادر. اگر آپ مجھے ایکس ون دے دیں, میں آپ کو ایکس ٹو بنا دوں گا. اگر آپ مجھے ایکس ٹو دیں, میں آئی کین پروڈیوس ایکس ون, آئی کین ڈو دا سیم تھنگ, رائٹ؟ اینڈ دیز آر کالڈ فیز. تو آپس میں ایک دوسرے سے ان کا
آپس میں ریلیٹڈ ہوں گے ہمیشہ, لیکن یہاں پہ نہیں ہوں گے. یہاں پہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ریلیشن شپ. تو اس کا اسپیشل اسٹیٹ کے سیٹ کو ہم فیز ویریبلس کہتے ہیں. اور ایکچولی جو ہم نے پہلے فیز پلین کہا تھا, دیٹس اے مس نارمل. نارملی فیز پلین آپ اس کے لیے بناتے ہیں, سائیکل ویریبلس کے لیے, لیکن اس کے لیے بھی چل جاتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اس کے لیے نہیں چلتا. یو مائٹ ناٹ ایکسپیکٹ نائس سرکلس سم تھنگ لائک دیٹ فار دیٹ کائنڈ آف سسٹم. کس میں؟ اس میں ساری کپلنگ اس میں ہے. اس میں کپلنگ کا افیکٹ آپ کے پاس آئے گا, بالکل آئے گا. کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اور شیپ بن جائے گی. وہاں بھی نان, یہاں بھی نان لینیئرٹی کلیئر ہوگی, اس کی وجہ سے آپ کے پاس افیکٹ آئے گا. ہاں بیسکلی جب آپ کے پاس وہ سائیکلز آ رہے تھے وہ نان لینیئرٹی ہی تھی نا. مطلب دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس ایک لینئر سسٹم ہو اس میں آپ کے پاس ملٹیپل سرکلس نہیں بنیں گے کبھی. ایسا نہیں ہوگا, آپ کے پاس سورٹ آف کافی بہتر سسٹم بنے گا. اوکے, یہاں سے اگر آپ کے اس کے ایگزامپلس کون کون سی ہو سکتی ہیں, ایک آر ایل سی سرکٹس بھی ہو سکتے ہیں, اسپرنگ میں اسٹیمپر سسٹمس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی آپ سسٹم لے لیں. اوکے, یہاں سے ہم ایک اور انٹرسٹنگ فینومینن پر چلتے ہیں. اگر میں ایک لینئر سسٹم لکھوں, یہاں سے آپ کے لیے یہ چیز دیکھنا آسان ہوگی. ہمیں اٹانومس سسٹم لے لیتا ہوں. اس میں بتائیں کہ اس میں بتا سکتے ہیں ہم کہ سٹیڈی اسٹیٹ کب آئے گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اگر آپ نے لینئر سسٹم بھی پڑھا تو پھر تو بہت ہی مزیدار کوشچن ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ کب آئے گا؟ وہ کیوں اسٹیڈی اسٹیٹ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ اسٹیڈی اسٹیٹ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ وہاں پہ اسٹیٹس کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس کانسٹنٹ ہوتی ہیں. اسٹیٹس کانسٹنٹ ہے تو ایکس ڈاٹ کیا ہوگا؟ زیرو ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ایٹ دا ٹائم ہوگا, تو اس کو آپ ایکس اسٹیڈی اسٹیٹ کہہ دیں. تو ایکس اسٹیڈی اسٹیٹ پہ کیا کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے؟ رفیق, ایکس ایس ایس پہ کیا کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے؟ یہاں سے آئیگن ویکٹر نہیں آتا. It is in the null space of A. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایکس ایس ایس اے کی نل اسپیس میں ہوگا تو آپ کے پاس اسٹیٹس ہمیشہ زیرو رہیں گے. یعنی انیشل کنڈیشن, اگر آپ کے پاس انیشل کنڈیشن ہی ایکس ناٹ ایکس ایس ایس کے برابر ہو تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ اسٹیٹس موو ہی نہیں کریں گے, زیرو رہیں گے ہمیشہ. اچھا, یہی نل اسپیس اگر ہم یہاں کرنا چاہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ آپ اسٹیڈی اسٹیٹ نہیں کہتے یہاں پہ. نان لینیئر سسٹم میں آپ
steady state نہیں کہتے بلکہ آپ equilibrium کہتے ہیں یا singular points کہتے ہیں singular points کہ آپ کے پاس singular points ہوتے ہیں phase portrait پہ جہاں پہ کہ system اگر آ جائے تو mostly وہی رہتا singular points اور equilibrium points اس کی کیا پراپرٹی ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ کانسٹنٹ رہیں گے آپ کے نہیں وہ تو ڈائیورجنس یا کنورجنس ہے نا وہ ایکچولی کس ویلیو پہ جا کے کرے گا وہ تو نہیں ڈیپینڈ کرے گا نہیں ویلیو ہمارا اسٹیٹ کی ویلیو ہے ٹائم کی بات نہیں ہو رہی اسٹیٹ کی اپنی کیا ویلیو ہوگی جہاں پہ وہ کرے گا اسٹیٹ کا نمبر کیا ہوگا وہ کیا ہوگا نانلینئر سسٹم میں ہو سکتے ہیں لینئر سسٹم میں نہیں ہوتے نانلینئر میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں عام طور پر اس کا تو وہ بیسیکلی آپ کہتے نا لمٹ سائیکل نا ایک لمٹ سائیکل میں آ گئی وہ چیز جو موو کرتی جا رہی اور اٹس کوسی اسٹیبل مارجنلی اسٹیبل تھنگ اچھا ایکویلیبریم کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ x1 dot should be equal to 0 and x2 dot should be equal to 0 right from here you can say f1 of x1 comma x2 should be equal to 0 and f2 of is it true or not ٹھیک ہے اگر آپ نے equilibrium points نکالنے ہیں وہ کون سی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ سسٹم جا کے اسٹک ہو جائے گا یا وہاں پہ اسٹیٹس کانسٹنٹ ہو جائیں گی دوز ول بی بیسکلی دا پوائنٹس ویئر ایف ون از اکول زیرو اینڈ ایف ٹو از اکول زیرو دونوں کو زیرو ہونا پڑے گا اور یہ کیسے نکالیں گے ہاں جی یہ ایکس ون ایکس ٹو آئیں گے کیسے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ ایکس ون ایکویلیبریم اور ایکس ٹو ایکویلیبریم نکالیں کیسے آئیں گے کیا مطلب آپ کو یہ کوشچن دی ہوئی ہے دو اس سے مجھے ایکویلیبریم پوائنٹس نکال کے دیکھیں کیسے ہوں گے پارشل ڈیریویٹو ہمیشہ نہیں ہو سکتا اگر وہ سیپریبل ہے تبھی ہوگا نا نہیں مطلب یہ نان لینئر ایکویشنز ہیں جن کا آپ نے روٹس نکال لیں یہ ہنٹ کافی ہے اب کیسے اتنا آسان نہیں ہے سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا کبھی اس کا نام سنا ہے کتنے انجینئر ہیں آپ لوگوں میں سے تین چار پانچ اچھا اس کا کہ باقی چار جو میتھمیٹیشین ہیں یا فزیسٹ ہیں یہ تو قابل معافی نہیں ہے میتھمیٹیشین کے لیے اسپیشلی نہیں ہے دادا آپ نے نیوٹن راکسن کہیں نہیں پڑھا کس کام کے لیے پڑھا آپ نے پڑھانے کے لیے نیوٹن راکسن یہاں لگتا ہے اس پہ آپ لگائیں گے اور اس سے آپ روٹ فائنڈ کریں گے کبھی کوئی آپ کو کہے کہ جی روٹ فائنڈ کرو تو یو ول اپلائی اسٹریٹ اوے نیوٹن راکسن
इसके लिए आप मेरी अंडरग्रेजुएट क्लास अटेंड कीजिएगा, वो आप उसमें बता सकते हो। न्यूटन आसन तो सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ते हैं लोग, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस की बेसिक टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक आप पढ़ते हैं। और भी तरीके हैं, बाइसेक्शन मेथड है और वो सारे, लेकिन बाइसेक्शन वगैरह दे आर नॉट दैट पॉपुलर, नॉट पॉपुलर तो है लेकिन दे आर नॉट दैट पावरफुल, उसमें ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। और अच्छा नेक्स्ट इज के वेल, ये आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइन हो जाएंगे। अच्छा इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई, मे बी यू कैन ट्राई टू डेल्व इनटू इट, अगर मुझे नहीं आया तो फिर मैं एग्जाम में दे सकता हूँ कि लीनियर सिस्टम में सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट क्यों होगा, वाई सोचे इस पे क्यों होगा, एक ही सिंगुलर पॉइंट क्यों होगा हमेशा। और नॉलेज सिस्टम में ज्यादा क्यों होंगे, हम आगे कुछ एनालिसिस करते हैं उससे में भी हमें कुछ मदद मिले। हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे लेकिन मे बी वो टेक्निक हम यहां भी यूज कर सकें। यानी यहाँ पे इस केस में एफ एन एफ टू लीनियर हो जाते तो ये लीनियर सिस्टम है, देयर हैज टू बी अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इट, देयर हैज टू, शायद देखते हैं अभी। उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लें, एग्जांपल 2.2। अच्छा सिस्टम जो है वो ये है, एक्स डबल डॉट प्लस 0.6 एक्स डॉट अगर ये टर्म ना होती तो इट वॉज अ परफेक्टली लीनियर सिस्टम। हाँ जी, अब इसका सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेंगे इसमें, ये आ गया ठीक है। इस पे अब F1 ये F2 है, दोनों को आपने जीरो के बराबर पुट करना है, तो F1 को जीरो के बराबर पुट करना है, इज नो बिग साइंस, F2 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा व्हाट अबाउट द अदर वन, F2 इज इक्वल टू जीरो माइनस 3x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 0.6 x2 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा इसको हम रिटर्न ऑप्शन से तो हमेशा कर सकते हैं, बट आई वाज थिंकिंग इज इट वर्थ अ शॉट कि हम इसको देखें कि इसका भी आ सकता है या नहीं। एक क्लू तो ये कि x2 हमेशा जीरो होगा, तो ये यही टर्म आपके पास अब क्या आ गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x1, so you have x1 is equal to minus 3, yahi aayega, so aapke paas a point to ye aa gaya, zero zero kyun hoga, ha agar x1 zero to tabhi equation satisfy hoti hai, so aapke paas ek zero zero aa gaya, to aapko neutral option lagane ki zarurat nahi padegi। वेल फिर सो वॉट, इससे हमें क्या मिला, हम ये कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं,
या सिंगुलर पॉइंट्स है, तो इससे फर्दर आगे हम कहाँ जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली इससे आगे हम कहीं नहीं जा सकते. एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है. अच्छा, और अगर आप समाज का फेस पोर्ट्रेट प्लॉट कर सकें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी. इसके कितने बिहेवियर इस तरह का है, राइट? और इन पॉइंट्स, इस पॉइंट की बिहेवियर इस तरह का बन रहा है. आप बताएं अगर कोई पॉइंट आपकी इनिशियल कंडीशन इस पॉइंट की विसिनिटी में होगी तो अल्टीमेटली सिस्टम स्टेबल होगा क्योंकि वो ओरिजिन की तरफ चला जाएगा. अगर इनिशियल कंडीशन इसके आसपास होगी तो सिस्टम डाइवर्ज करेगा, उसकी स्टेट बढ़ती चली जाएंगी और आपको अनस्टेबिलिटी आ जाएगी. सिंगुलर पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपको ये बताते हैं. नाइक्विस्ट जो है ना, नाइक्विस्ट आपके पास ट्रांसफर फंक्शन पे अप्लाई होता है, ठीक है? और ट्रांसफर फंक्शन मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट अजम्पशन इज कि योर सिस्टम शुड बी लीनियर. तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, दैट हैज टू बी लीनियर. तो लैप्लास को भूल रहे हैं, लैप्लास फोरियर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता इस पे. नॉनलीनियर इसलिए तो इंटरेस्टिंग है. इसमें देयर इज नो सॉर्ट ऑफ इनर्शिया, आपको बस अलजेब्रा आना चाहिए बाकी, या कैलकुलस आप रील से चलते हैं. अच्छा, आप सिंगुलर पॉइंट क्यों कहते हैं इसको? हाँ जी, सिंगुलर पॉइंट क्यों कहेंगे हम इसको? ओरिजिन पर पहुंच रहा था, ओरिजिन पर पहुंच रहा था. इसका आंसर इधर है कि जो आपकी ट्रेजेक्ट्रीज बनती है, फेस पे इम्पोर्टेड बनता है, उसमें कर्व्स हैं. कर्व्स का मतलब उनकी स्लोप्स होंगी, स्लोप्स का मतलब कि हम उनकी स्लोप्स कैलकुलेट कर सकते हैं. और फेस पे इम्पोर्टेड ये है ना, तो इसमें स्लोप कैसे डिफाइन होगी? टेंजेंट से भी हो सकती है. वेल, मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे सिंबॉलिकली? या टेंजेंट क्या होगा? ठीक है, ठीक है. डी ओवर डी डी या टी टाइम में यहाँ है नहीं, यहाँ पे आपके मतलब टिपिकली स्पीकिंग डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, ये होता है. तो अब यहाँ क्या होगा? गुड, डी एक्स टू ओवर डी एक्स वन. अच्छा, हम ये कर सकते हैं. कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? ये चैन रूल ही है. चैन रूल तो एक ऊपर और एक नीचे होता है. चले, इट्स योर ओन रिस्क. ये किसके बराबर है? टू के बराबर है, ठीक है. और ये कहाँ? आपको कोई इतराज नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं उससे आगे जाऊं? मुझे थोड़ा सा ये चुभा था, लेकिन नहीं, आपको ठीक है, दैट्स फाइन.
آپ بتائیں کہ نارملی اس کی ایک یوزلی اگر ہم کہنا ایف ون ایف ٹو کی یونیک ویلوز ہیں یوزلی ہوتی ہیں نان لینئر فنکشنز کی بھی یونیک ویلوز ہوتی ہیں ایکس ون ایکس ٹو کے لیے تو آپ کے پاس سلوپس یونیک آئیں گی ٹھیک ہے فیس پلین پورٹریٹ کے ہر پوائنٹ پہ یونیک سلوپ آئے گی لیکن ایکولیبریم پوائنٹ پہ سنگل پوائنٹ پہ کیا ہوگا you have a sort of zero over zero besides being indeterminate it is a singular point kyunki ye ek singular fraction ban gayi hai that is called singular point yahan pe slopes kuch bhi ho sakti hai to is wajah se ye wo point hote hain jahan pe trajectory ek dusre ko cross kar rahi hoti hai انڈیٹرمنٹ سے مراد ہے کہ کچھ بھی بہت ساری ویلوز ہو سکتی ہے نا اس کی کوئی ایک نہیں ہوگی اس کورس کا ٹی اے کون ہے کارے بس کے نا اس کی ڈائگرام ڈھونڈو کہیں نہ کہیں ہوں گی نیٹ پہ بک کی ہاں ساتھ ہوں تو اس کا فائدہ ہی ہے اچھا ٹھیک ہے اس لیے آپ ان کو سنگولر پوائنٹس کہتے ہیں یعنی کہ سنگولر پوائنٹس کا مطلب وہ پوائنٹس جن پہ سلوپ یونیک نہیں ہے زیرو بائی زیرو ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کے پاس بہت ساری سلوپس آ سکتی ہیں وہاں پہ یہ کتنے 18 لوگ نہیں رجسٹر تھے 20 4 3 7 9 فیس کو ملا کے 10 50% اٹینڈنس اچھا سنگل پوائنٹس آپ کو لینئر سسٹم میں ہمیشہ بتائیں گے کہ اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ٹھیک ہے نان لینئر سسٹم میں سنگل پوائنٹ صرف سنگل پوائنٹ سے آپ اسٹیبلٹی نہیں بتا سکتے آپ کو کچھ اور بھی دیکھنا پڑے گا جیسے لمٹ سائیکلز اور اس طرح کی چیزیں لیکن اسٹل دے آر ویری امپورٹینٹ اچھا نیکسٹ تھنگ ہے کہ واٹ اباؤٹ دس سسٹم This is our first order system. No? ٹھیک ہے یہ first order system آ گیا اس کا بھی کیا فیس پلین پورٹریٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں کین وی اس میں بھی ہم اسی طرح بنائیں گے ایکس اور ایکس ڈاٹ کر کے اور اس کا بھی انالیسس ہمیں کافی کچھ پتہ لگ سکتا ہے اچھا ایگزامپل یہ اگر دیکھ لیتے ایکس ٹاٹ از اکول ٹو مائنس فور ایکس پلس ایکس کیوب اچھا اس کے سگنل پوائنٹ کیا ہوں گے نکالیں نا ذرا
हां जी क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको ये एफ ऑफ एक्स आपका इसको आपने जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया एंड यू हैव एक्स ये सो आपके पास एक्स इक्वल जीरो प्लस टू और माइनस टू इसका अगर आप फेस पे पोर्ट्रेट ड्रॉ करें फेस पोर्ट्रेट वैसे ड्रॉ कैसे होगा तो इट विल लुक लाइक दिस ये ऐसा बन रहा अगर इनिशियल कंडीशन माइनस टू और टू के पास होंगी तो दिस इज अनस्टेबल बिकॉज इट्स डाइवर्जिंग और अगर जीरो के पास होंगी तो इट विल बी अ स्टेबल सिस्टम और एक तो अब नीचे से नहीं आ रही मैंने अगर ड्रॉ किया इधर से आ रही किसके अंदर इसके अंदर नहीं नहीं अंदर से नहीं होगा किसके ज्यादा पास हैं जीरो के पास हैं तो फिर स्टेबल होंगी अगर टू के पास तो फिर हाँ आप ये कह सकते हैं कि अंदर होंगी तो फिर बिल्कुल इसने इधर को जाना है इनका प्लॉट करके देखते हैं कि ये प्लॉट होते कैसे हैं हमने एग्जांपल्स किए हैं और वंडरपोल को भी देख लें या इससे पहले इसके बाद सिमेट्री आती है जो प्रॉब्ली आप को भी समझ नहीं आएगी सिमेट्री कैसे आ रही है तो सिमेट्री हम फेस पे इंपोर्टेड की सिमेट्री बेसिकली हम इससे देखते हैं कि अगर हमें पता लगता है कि यूजली पोर्ट्रेट सिमेट्रिक होता है तो सिमेट्रिक अगर है तो हम देख लेते हैं लेट्स से अलोंग एक्स टू एक्स एक्स सिमेट्रिक है तो फिर हम सिर्फ आधा बनाएंगे इधर वाला वैसे ही हमें पता हम पूरी ड्रॉ कर लेंगे और अगर राउंड ऑरिजन है तो फिर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड पे देख लेंगे खैर सिमेट्री आपको फंक्शन के एफ वन और एफ टू के एनालिसिस से पता लगेगी कि फंक्शन जो है वो बताएगा कि सिमेट्रिक है या नहीं अच्छा आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे फेस पोर्ट्रेट आप प्लॉट कैसे करते हैं इसके दो मेथड्स हैं एक एनालिटिक मेथड बल्कि मेथड्स बहुत सारे हैं दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे एक है एनालिटिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड है ग्राफिकल मेथड को आइसोक्लाइन मेथड कहते हैं और एनालिटिक मेथड को एनालिटिक ही कहलाता है एनालिटिक मेथड के एग्जाम्पल कह लेते हैं उससे आपको समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ये वाली
तो थीटा नेगेटिव होगा तो यहां पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो यू यू भी आपका पॉजिटिव होगा राइट. तो व्हेन थीटा इज लेस देन जीरो यू हैव थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू प्लस यू एंड व्हेन थीटा इज लेस ग्रेटर देन जीरो तो यहां पे आके माइनस थीटा आ गया, माइनस थीटा आएगा तो आपके पास थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस यू. So this is a sort of variable structure kind of differential equation system. जिसमें according to the sign of theta आपकी input switch कर रही है u और minus u में. हाँ जी ठीक है, इसमें कोई ना समझ आएगा. अब इसका हमने एक फेस पोर्ट्रेट बनाना है. सबसे पहले आप थीटा डबल डॉट ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं. और इसका कुछ करते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके हम डेरिवेटिव के साथ चेन रूल लगा सकते हैं इस पे. चेनू लग सकता है इसपे कि नहीं? अगर मैं इसको ये कह दूं इससे टी ओवर डी टी थीटा डॉट ये आएगा इज इक्वल टू यू. हम ये देखते हैं दिस इज डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर और इसके सारे चेन रूल लगाए तो क्या आएगा डी थीटा और डी थीटा. उससे क्या बनेगा टी के साथ जब स्क्वायर है वो कैसे बनेगा ये. ये हमने लाना इसी से ही है, लाना इसी से है. कैसे आएगा रफीक डी ओवर डी टी इंटू तो अब इस पर चेन रूल कैसे रहेगा ये तो नहीं हम टाइम नहीं निकाल रहे, टाइम ही तो निकालना चाह रहे हैं हम. टाइम का वेरिएबल तो हम निकालना चाह रहे थे कि वो उसकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए. इस तरह से देखते हैं अगर व्हाट अबाउट दिस थिंग थीटा डॉट हाँ जी डॉट डॉट में खत तो ये कैसे आएगा
basically ये तो स्क्वायर हो गया ना हाँ ठीक है बन जाएगी वो कैसे हम ठीक है डबल डॉट को तो बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं डी ओवर डी टी ठीक है इंटू डी थीटा ओवर डी टी राइट हाँ अच्छा इससे आगे चेन रूल कैसे लगाएंगे इस पर इस पर लगाए तो इस पर कैसे लगेगा यानी कि आप ये कह रहे हैं ऑर्डर तो मैटर नहीं करता तो ये वही चीज आ गई ठीक है अच्छा इसका फायदा हमें क्या है इससे हम ये बना सकते हैं थीटा डॉट डी थीटा डॉट इज इक्वल टू यू डी थीटा राइट इससे अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें You would have theta dot square is equal to u theta plus c. We are there, na? Iska half bhi aa raha tha na? Wo half idhar aa jayega. Half u half theta dot square ho jayega na ye. Aise aayega na ye. To ye half ka two udhar chala gaya. अच्छा ये तो एक केस था दूसरा केस क्या है दूसरा केस ये है कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टू इसका सारा यही एनालिसिस आएगा और आपके पास एट ऑफ द डे ये चीज आ जाएगी हाँ जी ठीक है यहां तक ये कौन सी इक्वेशन है किस ज्योमेट्री की इक्वेशन है ये ये पैराबोला नहीं बन जाएगा एक स्क्वायर टर्म गायब है मतलब बेसिकली ये आप इसको y मान लो इसको x मान लो ये भी y है ये x है तो आपके पास इस तरह के प्लॉट आएंगे ना थीटा इस पे होगा थीटा डॉट इधर होगा तो ये अंडर रूट आ जाएंगे इस पे तो दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन और इसके दोनों बनेंगे अलग अलग वो ये होंगे ये है u इज इक्वल टू u के लिए और ये है u इज इक्वल टू माइनस टू के लिए
और C1 basically क्या चीज है? C1 is something dependent on initial conditions. तो different initial conditions के लिए different parabolas बनेंगे. अच्छा, अब overall फिर final चीज क्या बनी? Final चीज आपके पास ये बन जाएगी. और इसमें नहीं, अनस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल नहीं है. हाँ, सॉर्ट ऑफ एलिप्स ही बन, एलिप्स नहीं है ये, मतलब वो ये एक तरह से डिसकंटिन्यूटी है, पीस वाइज लीनियर है ये, मतलब यहाँ पे एक शेप है, ये दूसरी शेप है, ये लाइन जो है ये स्विचिंग लाइन है कि जब यू स्विच होता है फ्रॉम यू टू माइनस यू, कैपिटल यू से माइनस यू पे, तो ये इधर से इधर आ जाता है. और इट्स नॉट अनस्टेबल व इट्स नॉट स्टेबल आइदर, इट्स सॉर्ट ऑफ लिमिट साइकिल थिंग कि हमेशा वो इस तरह से मूव करता रहेगा, या अगर इधर से स्टार्ट हुआ था तो हमेशा ऐसे रहेगा. इट्स सॉर्ट ऑफ मीन्स कि सेटेलाइट क्या करता रहेगा, सेटेलाइट हमेशा घूमता रहेगा एक कांस्टेंट एंगल पे और कांस्टेंट वेलोसिटी. पता नहीं, देख रहे थे थीटा ही है, थीटा डॉट है, थीटा बढ़ा यहाँ और थीटा डॉट कम हो गया, फिर थीटा डॉट नेगेटिव साइड पे गया, थीटा कम हो गया, तो ये पूरा ही जाएगा. नहीं, ऐसी चीज आ रही होगी, थीटा नेगेटिव हो रहा है, थीटा पॉजिटिव हो रहा है ना. हाँ, तो सॉर्ट ऑफ इस तरह की वाइब्रेशन आ रही होगी. अब इस तरह से नॉनलीनियर सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं बाय हैंड, देयर आर नो जेनेरिक मेथड्स. हाँ जी, इनको तो प्लॉट करके देख लें, पहले वन डेपोल को देख लें. दूसरा मेथड आइसोक्लाइंस का वो आप खुद एक बार पढ़ के देखिएगा. पहले तो हम दूसरे कमरे में, तो पीसी भी चेंज हुआ होगा, पहले वाला हो गया नहीं हमारे पास फंक्शन इसमें, है ना. खैर, इसका भी मार्क्स नहीं चला. ऐसे फंक्शन का फायदा ये कि इसमें आपको वो सारी खाप खत्म हो जाती है, सिस्टम अलग से बना के सिमुलेट में देखने से, सिंपली एक इक्वेशन लिखी उसका अपने नया फंक्शन बनाना है, नई सिस्टम सिमुलेट करना है, तो सिंपली वो इक्वेशन में आपको चेंज करनी है और बस. वो वाला ठीक था ना, वो पिछली दफा वाला उनसे नेटवर्क वाला से मैं लड़ भर के मैंने वो वाला सिस्टम ठीक कराया था, रूम चेंज हो गया. कि
Consider preferences. जरूर जरूर वही नहीं होता किसमें कमांडमेंटो आपको चाहिए ना ठीक है तो नहीं लग रहा है काफी है खेल बताने की जरूरत नहीं है ये कैसे आ रहा है कितने लोगों ने ट्राई किया था इसको और तुम तो चल गया सर तुम्हारा सेवन वाला इशू आ गया इसका अच्छा इसमें अब आप नीचे आ जाए यहाँ पे जो आपने सबसे पहले मॉडल साइजेस में जाना है ना हाँ जी अब अच्छा नीचे आएंगे आप हाँ जी वंडरफुल सिस्टम है कितने हैं इक्वेशन का ये लिखते ना ना बोर्ड पे लिखते दो बनेंगे तीन बनेंगे दो बनेंगे ना ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे ले लो वन बुक में वन लिया हुआ हाँ बुक में क्या लिया होगा पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए कुछ तो लिया होगा ना ले लो पहला तो वही आ जाएगा ना एक्स वन डॉट इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू ठीक है बस आगे कर लेते हैं अब आपके पास ये जो सिस्टम है इसमें इतना आगे कैसे आ गया हाँ जी कॉन्टिन्यूस स्टेट कितनी है इसमें ये आप इसको टू कर देंगे फिर पिछली स्टेट जीरो है नंबर ऑफ आउटपुट्स हम किसमें इंटरेस्टेड है हम दोनों रख लें दो आउटपुट्स हैं जीरो इनपुट्स हैं और
बाकी रहने दें ऐसे ही. इनिशियल कंडीशन क्या रखनी है? हाँ जी ठीक है. और यहाँ पे आपने लिखना तो जनरली आप ऐसा लिखते इसको थोड़ा सा नीट बना के लिख लेते हैं एक्शन डॉट ठीक है. एक्स टू डॉट किसके बराबर होगा? माइनस एक्स एफ वन अरे का एलिमेंट और एक्स एक्स दो अरे दो एलिमेंट की अरे होगी. इट विल बी अ स्टेट फैक्टर. ऊपर वाली हम पूरी भी लिख सकते हैं ना, या माइनस टू टाइम्स ठीक है. माइनस टू नहीं आगे आपने ये ट्राई किया कहाँ पे प्रॉब्लम होगा साइज का? जी जी अरे यहाँ पे ये एलिमेंट का नंबर है ना, एक्स का पहला एलिमेंट और एक्स का दूसरा एलिमेंट, यानी कि पहली स्टेट और दूसरी स्टेट. अच्छा यहाँ पे हाँ बिल्कुल बस ये आ गया आपके पास. अब आ जाए आप आउटपुट पे. या आप सिंपली सिंपली सिर्फ एक्स लिखते हैं बस दैट्स गुड इनफ. खत्म. अब इसको आपने चलाना है तो इसके आपको सिमुलेट को खोलनी पड़ेगी फाइल. यूजर डिफाइन फंक्शन किधर है? ये फंक्शन बिल्डर किसने ट्राई किया? शायद आपको मुश्किल आसान कर दे. ऑल इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं है. हमें और क्या चाहिए? हमें सोचन चाहिए, सिंक चाहिए. सिंक में हम स्कोप लगा लें सब तो. वैसे तो हमें वो एक्स वाई वो भी चाहिए, हमें टू वर्क स्पेस भी चाहिए. अच्छा अब इसमें दो आ रहे होंगे एलिमेंट आपके पास. इसको भी ट्राई करते हैं ये क्या करता है.
نہیں میں ہر یہ لڑ رہا نہیں دے گا چلو پہلے اس کو سمپلی چلا کر دیکھ لیتے ہیں والی ویلیوز تو پسند نہیں آئی یعنی شو کنڈیشن پسند نہیں آئی اس کا بک میں بنا ہوا فیس پین شو کنڈیشن اس میں بک میں کیا لی ہے لائبریری میں دی ہے بک وہ فوٹو کاپنگ کے لیے ہو گئی ہے کل ملتے ہیں اس میں ایشو کنڈیشن اس کو ہم ایک کو زیرو رکھ سکتے ہیں نیشنل کنڈیشن جو ہے کس کو زیرو رکھتے ہیں لافٹی کو زیرو رکھ لیں تو ہم ریئل ایکسس پہ آ جائیں گے نا یہ ہم دیکھیں اس میں ایکس اور ایکس ون اور ایکس ٹو کی اسٹیٹ کچھ کر رہی ہیں ہاؤ ڈو وی نو کہ وہ کیا کر رہی ہیں اس کا فیس پلین آپ پورٹریٹ کیسے بنائیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے آگے ڈی مارکس لگائیں سگنلز میں جا کے اس میں نہیں ہے کنیکشن ہونا چاہیے مارکس اور ڈی مارکس کس میں نہیں میتھ میں نہیں ہو سکتا کس میں نہیں وہ
ये अब यहाँ पे पॉइंट वन से आपका स्टार्ट हुआ था ना, तो इसने पॉइंट वन बनाया हुआ है. इसको अगर हम और टाइम के लिए चलाएं तो ये स्टॉप भी शायद अनस्टेबल ना हो इस दफा. इसको देख लेते हैं. पहले हाँ, लेकिन इनिशियल कंडीशन डिफरेंट है. आउट ऑफ स्केल हो गया, तो इसके लिए हमें फौरन ही डाइवर्ट कर रहा हूं और अभी एरर भी आ जाएगी. इनिशियल कंडीशन चेंज करके देखिए. हाय, यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन इसको एक और तरीके से भी आप प्लॉट कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2xy ग्राफ में ले जाए इसको लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर ले x, कह ले, और इसका एरे फॉर्म कह रहे. अब इसमें x वेरिएबल आ गया होगा अंदर वर्क स्पेस में, या तो 116 टाइम पॉइंट्स होंगे. और इसमें आपके पास बेसिकली क्या होगा, 116 रोज और दो कॉलम हो गए x1 का और x2 का. इनको जब आप एक दूसरे अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, मतलब ये देखते हैं, ये चीज लग रही होगी. नंबर बहुत बड़े हैं, इसलिए जीरो आ रहे हैं, टेंस पर 5, 10 इस तरह से आ रहे होंगे. प्लॉट पहले एक्स एक्सिस, तो डर कोलन कमा 1, ये आपको बस इसकी एक साइड आ रही है जिसमें वो डाइवर्ज किया जा रहा है. अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लें थोड़ा सा जो वेल मैनर्ड हो, ये स्केल ग्राफ बहुत बड़ा है, इसमें वो ट्विस्ट नहीं आएगी ना, इसमें वो ट्विस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राफ के नंबर्स बहुत बड़े हैं, एक्सेस बहुत बड़ा है. इसलिए कोई वेल बिहेव सिस्टम की एग्जाम्पल लें, मसलन अगर हम
अगर हम वही सैटेलाइट वाली एग्जांपल लें वो कैसे चेंज होगी? हाँ जी, क्या कहते हैं? सैटेलाइट वाली एग्जांपल के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स टू डॉट इज इक्वल टू हाँ जी, कोई बताएगा एक्स टू डॉट क्या होगा? नहीं, ये तो पैरामीटर की इक्वेशन है, यहाँ तो आप एक्चुअल सिस्टम की इक्वेशन देंगे, वो क्या आएगी जी? ये नहीं आएगी, साइन ऑफ जो भी एक्स वन है, कैपिटल यू का हम वन मान लें इधर, तो थीटा जब डॉट इज इक्वल टू यू है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा इज लेस देन जीरो है, ठीक है, एक्स ऑफ वन इज थीटा, राइट, माइनस साइन ऑफ एक्स वन, इससे हो जाएगा कि नहीं? अगर हम चाहें तो इसको माइनस टेन भी कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आया किसी को ये कैसे है? टेन को कैपिटल यू मान लें, ठीक है, और अगर अगर थीटा इज लेस देन जीरो है तो पॉजिटिव यू होना था, तो साइन ऑफ थीटा के हमने ऑपोजिट कर दिया, एग्जैक्ट नेगेटिव लगा के, इसको अगर हम देखें तो ये क्या आएगा? कैसा? इट इज लाइक सॉर्ट ऑफ फेस पोर्ट्रेट नाउ, एक्स और वाई, या एक्स यहाँ थीटा और यहाँ थीटा डॉट है, एक ही इतनी कर्व्स पे क्यों आ रहा है? ये चक्कर लगा रहा है ना, इसलिए इट कीप्स ऑन डूइंग दैट। किस पे? इनिशियल कंडीशन पे ये चीज डिपेंडेंट है ना, ये इसका वेट कितनी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना 2.0, हम कोई और का स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं, जी जी बिल्कुल, तो यहाँ पे यहाँ से शुरू किया था हमने, थीटा वॉज टू एंड थीटा डॉट वॉज जीरो, हम कोई और थीटा को हम 10 से छोटा ही रखे, सेवन रख के देख सकते हैं, अभी देखिए चक्कर इसने कम काटे हैं, लेकिन ये 11-7 तक यहां से शुरू हुआ है, कीप ऑन डूइंग दैट, अगर मैं टाइम कम कर दूं ये चक्कर कम हो जाएंगे, और वी कैन डू वन मोर थिंग, वी कैन इंक्रीज द स्केल एज वेल, कितना करें इसको 15 एक्स एक्सेस तो उतना ही रहेगा ना,
चलें इसको ठीक है, अगर हम टाइम कम कर दें तो ये चक्कर कम हो जाएंगे इसके। अब शायद एक महीना लगे। ठीक है, तो इसको हम सॉरी ढाई थे तकरीबन, ठीक है। सो ये आपको फेस पोर्ट्रेट ऑफ तारिक, किसका 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 इफेक्ट, इसका फेस पोर्ट्रेट है सर, इसलिए ये फेस पोर्ट्रेट है ना। फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, तो ये स्पाइरल नहीं है, ये इसी पे रहेगा हमेशा। अब ज्यादा टाइम क्यों चला, चेंज क्यों आ रही, इसके आ रही है, इसका स्टेप साइज है वो रैंडम है, उससे आपके वैल्यूज हमेशा थोड़ी बहुत आगे पीछे हिलेंगी, उसकी अपनी थोड़ी बहुत रैंडमनेस है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अब घर जाके प्रैक्टिस करें ना सारे सिस्टम्स की, और इसे भी करें और वर्क स्पेस में भी जाके करें। इसके बगैर आपको नॉलेज सिस्टम नहीं आने, ये ऐसी चीज नहीं जो आप हाथ से करें, यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ टूल। एनी क्वेश्चन? बल्कि मेरा ख्याल है मंडे को क्लास करें, अगर मैं टाइम पे आ गया तो ठीक है, मंडे को अपने प्रोजेक्ट सोच रहे खुद पेपर देख के और प्रेजेंट करेंगे, क्या ख्याल? सिर्फ सिस्टम एक्सप्लेन करें अपना मंडे को कि हमने ये नॉलेज सिस्टम दिया, क्लास मेरे बगैर होगी। What I want is के सब अपने नॉलेज और मॉडल देखते हैं।